हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, उपमुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्री, WHO के रीजनल डायरेक्टर, उपस्थित सभी महानुभाव, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप समेत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट काशी में हो रही है। सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं। काशी नगरी वो शाश्वत धारा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। मैं वन वर्ल्ड टीबी समिट में देश विदेश से काशी आए सभी अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना में झलकता है। ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को इंटीग्रेटेड विजन दे रहा है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस दे रहा है। इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साझा भविष्य का संकल्प है। अभी कुछ समय पहले ही भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाने की पहल की है और अब वन वर्ल्ड टीबी समिट के जरिए भारत ग्लोबल गुड के एक और संकल्प को पूरा कर रहा है। साथियों, 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में
अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनभागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। भारत ने कैसे एक यूनिक अभियान चलाया ये जानना विदेश से आए हमारे अतिथियों के लिए बहुत दिलचस्प होगा। फ्रेंड्स, हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। भारत में टीबी के लिए स्थानीय भाषा में क्षय शब्द प्रचलित है। इस अभियान के बाद करीब करीब 10 लाख टीबी मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अपना पीगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया है। टीबी के मरीजों के लिए इन निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। टीबी के खिलाफ दुनिया में इतना बड़ा कम्युनिटी इनिशिएटिव चलना अपने आप में बहुत प्रेरक है। मुझे खुशी है कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में इस प्रयास का हिस्सा बने हैं, और मैं आपका भी आभारी हूं। आपने अभी आज वाराणसी के 5 लोगों के लिए घोषणा कर दी। साथियों, निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है।
टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। आज इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है, टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा, उनको हम स्वस्थ करके रहेंगे। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी, अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने मिलकर सब नेशनल डिजीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर भी बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं। मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही नतीजों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है, टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले, और इतना बड़ा देश बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और संकल्प लिया है देशवासियों के भरोसे। भारत में हमने कोविड के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी काफी मदद कर रही है। भारत की इस लोकल अप्रोच में बड़ा ग्लोबल पोटेंशियल मौजूद है, जिसका हमें साथ मिलकर इस्तेमाल करना है। आज टीबी के इलाज के लिए 80% दवाएं भारत में बनती हैं। भारत की फार्मा कंपनियों का यह सामर्थ्य टीबी के खिलाफ वैश्विक अभियान की बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहूंगा भारत के ऐसे सभी अभियानों का, सभी इनोवेशंस का
आधुनिक टेक्नोलॉजी का, इन सारे प्रयासों का लाभ ज्यादा से ज्यादा देशों को मिले, क्योंकि हम ग्लोबल गुड के लिए कमिटेड हैं। इस समिट में शामिल हम सभी देश इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीवी। टीवी हारेगा, भारत जीतेगा। और जैसा आपने कहा, टीवी हारेगा, दुनिया जीतेगी। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे एक बरसों पुराना वाक्य भी याद आ रहा है। मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लेप्रसी को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया था, और जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, एक बार उन्हें अहमदाबाद के एक लेप्रसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। गांधी जी ने तब लोगों से कहा कि मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। गांधी जी की अपनी एक विशेषता थी, बोले मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। बोले मुझे तो खुशी तब होगी जब आप उस लेप्रसी हॉस्पिटल को ताला लगाने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मुझे आनंद होगा। यानी वो लेप्रसी को समाप्त करके उस अस्पताल को ही बंद करना चाहते थे। गांधी जी के निधन के बाद भी वो अस्पताल दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। साल 2001 में जब गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मेरे मन में था कि गांधी जी का एक काम रह गया है ताला लगाने का, चलिए मैं कुछ कोशिश करूं। तो लेप्रसी के खिलाफ अभियान को नई गति दी गई, और नतीजा क्या हुआ? गुजरात में लेप्रसी का रेट 23% से घटकर के 1% से भी कम हो गया। साल 2007 में मेरे मुख्यमंत्री रहते वो लेप्रसी हॉस्पिटल को ताला लगा, हॉस्पिटल बंद हुआ, गांधी जी का सपना पूरा किया। इसमें बहुत से सामाजिक संगठनों ने, जनभागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई, और इसलिए ही मैं टीबी के खिलाफ भारत की सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। आज का नया भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। भारत ने ओपन डेफिकेशन फ्री होने का संकल्प लिया और उसे प्राप्त करके दिखाया। भारत ने सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी का लक्ष्य भी समय से पहले हासिल करके दिखा दिया। भारत ने पेट्रोल में 3% की इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय समय से पहले प्राप्त करके दिखाया। जन भागीदारी की यह ताकत पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा रही है। टीबी के खिलाफ भी भारत की लड़ाई जिस सफलता से आगे बढ़ रही है, उसके पीछे भी जन भागीदारी की ही ताकत है। हां, मेरा आपसे एक आग्रह भी है। टीबी के मरीजों में अक्सर जागरूकता की कमी दिखती है।
कुछ न कुछ पुरानी सामाजिक सोच के कारण उनमें ये बीमारी छिपाने की कोशिश दिखती है। इसलिए हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। साथियों, बीते वर्षों में काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विस्तार से भी टीबी समेत विभिन्न बीमारियों के मरीजों को बहुत मदद मिली है। आज यहां नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की वाराणसी ब्रांच का भी शिलान्यास हुआ है। पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट का काम भी शुरू हुआ है। आज बीएचयू में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हो, ब्लड बैंक का मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हो, बनारस के लोगों के बहुत काम आ रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में अब तक 70,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है। इन लोगों को इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह बनारस में कबीर चौरा हॉस्पिटल हो, जिला चिकित्सालय हो, डायलिसिस सीटी स्कैन जैसी अनेक सुविधाओं को बढ़ाया गया है। काशी क्षेत्र के गांवों में भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी अनेक सुविधाओं से युक्त किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बनारस के 1.5 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। करीब करीब 70 जगहों पर जन औषधि केंद्रों से मरीजों को सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। इन सभी प्रयासों का लाभ पूर्वांचल के लोगों को, बिहार से आने वाले लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, भारत अपना अनुभव, अपनी विशेषज्ञता, अपनी इच्छा शक्ति के साथ टीबी मुक्ति के अभियान में जुटा हुआ है। भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए भी निरंतर तत्पर है। टीबी के खिलाफ हमारा अभियान सबके प्रयास से ही सफल होगा। मुझे विश्वास है हमारे आज के प्रयास हमारे सुरक्षित भविष्य की बुनियाद मजबूत करेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया दे पाएंगे। मैं आपका भी बहुत आभारी हूं, आपने भारत की इतनी बड़ी सराहना की, मुझे निमंत्रण दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी एक शुभ शुरुआत और वर्ल्ड टीबी डे के दिन मेरी आप सबको इसकी सफलता और एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।